हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिल्मी टॉक में। और पिछले 3 दिन में जो हमने देखा, 19 अगस्त को वेल बॉटम थिएटर्स में आई और ठीक ठाक रिस्पांस मिला लोगों ने। बहुत मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बहुत उसको लंबा खींच दिया कि कलेक्शन कम हुआ, इतना कलेक्शन आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है। उसके बाद कल थी 20 अगस्त, और 20 अगस्त से अपनी आने वाली मूवी की शूटिंग भी जो है वो अक्षय कुमार ने स्टार्ट कर दी है लंदन में, जिस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाके वो देख सकते हैं। रेड शासन की जो ऑफिशियल रीमेक आने वाली है, जिसका हिंदी में टाइटल है, लोग ऐसा मान रहे हैं कि इसका सिंड्रेला नाम होगा, मिशन सिंड्रेला भी कुछ लोग बोल रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुआ है, उसकी भी हमने आपको अपडेट दी। अब उसको लेके एक और अपडेट आ रही थी कि उसमें जो को स्टार होंगी अक्षय कुमार की, वो रकुल प्रीत सिंह होंगी। आप यूट्यूब पर देखें, आपको जाके बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे कि रकुल प्रीत सिंह जो है वो उनके अपोजिट दिखेंगी। रेड शासन की जो ऑफिशियल रीमेक बनने वाली है, मिशन सिंड्रेला या सिंड्रेला आप जो भी बोल सकते हैं, उसमें उनके अपोजिट आपको रकुल प्रीत सिंह दिखेंगी। और साथ ही साथ चंद्रचूर्ण सिंह जो हैं वो एक टाइम पे बहुत अच्छे एक्टर बन चुके थे, वो वापसी करने जा रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद इस मूवी के जरिए। तो ये खबरें निकल के आ रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। कई कई लोग क्या है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपने आपको क्रिटिक्स मानते हैं, अच्छे खासे रिव्यूअर मानते हैं, थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट हैं उनके बॉलीवुड में, लेकिन उनको इतना समझ में नहीं आता, मतलब जो उन्हें सुनाई देता है वो कैसे बिलीव कर लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कम से कम उसके ऊपर जांच पड़ताल करनी चाहिए, तब अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता, इसमें अगर रकुल प्रीत सिंह होती तो उनकी हमें कुछ ना कुछ झलक देखने को मिलती। पहली बात तो इसमें रकुल प्रीत सिंह है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि कल जो एक शूट हुआ वहाँ पे, जैसा कि हमने बताया कि इंग्लैंड में एक सेट लगाया गया है जहाँ शिमला का पुलिस स्टेशन बनाया गया है, और जहाँ पे कल पहला दिन था शूट का, तो वहाँ से कुछ पिक्चर्स निकल के आई हैं जिस पर आप देख पा रहे होंगे। अभी भी टाइटल अनाउंस नहीं किया, अभी भी लिखा है प्रोडक्शन नंबर 41, और इसमें डायरेक्टर का नाम लिखा है रंजीत एम तिवारी, और DOP इसमें लिखा है राजीव रवि। तो मुहूर्त था कल, और ये निकल के आई है, और साथ ही साथ एक पोस्ट और निकल के आई है जिसमें सारे लोग दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब आप इसमें नोटिस कीजिए, इसमें आपको रकुल प्रीत सिंह कहाँ दिख रही है, और जब से ही कोई मूवी बनती है या उस मूवी से कुछ निकल के आ रहा है तो उसमें सबको टैग किया जाता है। आप इसमें देखें, किसी को भी रकुल प्रीत सिंह आपको कहीं नहीं दिखेंगी। इसमें आपको किस किस को टैग किया गया है आप जरा नज़र डालें। पूजा एंटरटेनमेंट है, अक्षय कुमार हैं, बासु भगनानी हैं, रंजीत तिवारी हैं, जैकी भगनानी हैं, दीप शिखा देशमुख हैं, सरगुन मेहता हैं, आयम चंद्रचूर्ण सिंह हैं। मतलब एक खबर तो सही है कि चंद्रचूर्ण सिंह इसमें आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें रकुल प्रीत सिंह नहीं है, इसमें सरगुन मेहता आपको डेब्यू करती दिख सकती हैं। सरगुन मेहता इस मूवी में है, सरगुन मेहता बहुत जाना माना चेहरा है टेलीविज़न इंडस्ट्री का, आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। किस्मत इनका एक सॉन्ग आया था, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, किस्मत 2 भी जल्दी आने वाला है। एक और इनका सॉन्ग आया था अभी तितलियाँ करके, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, आपने वो देखा होगा, तो आप इनको जानते होंगे। इनका आप देखें जो पिक डाली है उसमें सारे लोग दिख भी रहे हैं अपने अपने गेटअप में, इसमें सरगुन मेहता भी दिख रही हैं। तो अगर इसमें रकुल प्रीत सिंह होती तो उनका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होता, फोटो होता या उन्हें टैग किया जाता, अगर वो नहीं पहुँच पाई वहाँ पे तो उनको टैग किया जाता। तो मेरे ख्याल से इसमें रकुल प्रीत सिंह नहीं है। जो मिशन सिंड्रेला आने वाली है रेड शासन की ऑफिशियल रीमेक, उसमें अक्षय कुमार के अपोजिट आपको रकुल प्रीत सिंह नहीं देखने को मिलेंगी, उसमें आपको देखने को मिलेंगी सरगुन मेहता। और जैसे और कोई ताज़ा अपडेट आती है उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे, तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहें, बेल आइकन दबाएं, और ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में और कोई नई ताज़ा अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।